नसीब है तू बेटे, भला की खूबसूरत है तेरी दुल्हन, कयामत लगोगे तुम यार। सारा, तुम्हें हमारा लड़का पसंद है ना? जी दादी। तुमने ख्वाबों में जो अपने लिए शहजादा देखा था, वैसा है कि नहीं मेरा नवासा? उससे भी कई ज्यादा अच्छे हैं ये। मेरी बच्ची, अल्लाह तुम दोनों को बस खुश रखे। वाओ सारा, क्या बात है, तूने एंगेजमेंट कर लिया और हम सबको बुलाया भी नहीं, और अब अपने फियांसी का फोटो भी नहीं दिखा रही। हद है यार। ऐसा तो नहीं कि वो इतना हैंडसम है ना कि तू डर रही है कि कहीं हम में से उसे? यार प्लीज गाइस, ऐसा सोच भी नहीं सकती मैं। आई मीन वो सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि सोचने का तो मौका भी नहीं मिला, और ये सब सिर्फ हमारे परिवारों के बीच में ही हुआ। वैसे भी अम्मी ने कहा है कि निकाह होगा ना तो तुम दोनों को इनवाइट करूंगी, आई प्रॉमिस, बहुत धूमधाम से होगा सब कुछ। एक पिक तो दिखा, एक पिक तो होगी। हाँ यार चल पिक दिखा। ठीक है, कॉलेज है। ओहो, हैंडसम है। वाव यार, शो मी शो मी गर्ल। हाँ बहुत ऑसम जोड़ी है। बिल्कुल। क्या बात है, अब दूर से ही ब्लश करेगी क्या? जा और जाके उसे हाय बोल। जा ना, जा। ओके। सारा, कौन है वो लड़की? पता नहीं यार, लेकिन तेरी और उसके तो एंगेजमेंट हो गई है ना, वो ऐसे कैसे बिहेव कर सकता है? हाउ डिस्कस्टिंग रियली। वेट, आई विल गो एंड आस्क। नो 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 प्लीज, तुम लोग प्लीज उससे बात मत करना। मैं खुद उससे बात करूंगी। मैं ऐसे यहाँ कॉलेज में सबके सामने कोई इशू नहीं करना चाहती। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, खुदा हाफिज। खुदा का शुक्र है, बहुत अच्छी फैमिली मिली है हमें। अच्छा ये बता, कॉलेज में समय से मुलाकात हुई थी? कुछ बात हुई? जी अम्मी, हुई थी ना। अच्छा हुआ। समय की अम्मी बहुत परेशान हो रही थी, कह रही थी पता नहीं समय सारा से बात कर पाएगा या नहीं। मैंने कहा आपने अपने बच्चे को इतनी अच्छी परवरिश दी है तो हमारी बच्ची के सामने अच्छे से पेश आएगा। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। क्या हुआ बेटा, कहाँ खो गई? अभी वो कॉलेज की कोई प्रोजेक्ट के बारे में सोचती है, कुछ भी नहीं। अच्छा तू जा, हाथ मुंह धो ले, मैं जल्दी से खाना तैयार करती हूँ। जी अम्मी। चल बेटा। मैं मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। अरे सारा, गुड टू सी यू, हाउ आर यू? एनीवे, सारा, मीट रिचा, शी इज माय गर्लफ्रेंड एंड दिस इज सारा माय फियांसे। वाओ, बहुत लकी हो तुम, जो तुम्हें इस समय जैसे बंदे से कमिटमेंट मिला। लकी गर्ल यू नो।